जय हिंद दोस्तों, आप सही लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द हंड्रेड्स मैन लीग के एक और नए मुकाबले में। ठीक है दोस्तों, देखो आज दो मैच खेले जाने वाले हैं। ठीक है गाइस, ये मुकाबला 11 अगस्त को रात के 10:30 बजे दोस्तों ये मुकाबला मैनचेस्टर ओरिजिनल और गाइस नॉर्थन सुपर चार्जर्स के बीच ये मुकाबला देखो भाई 11 अगस्त को ही खेला जाने वाला है भाई। ये दूसरे मैच रहेगा, रात वाला मैच रहेगा। ठीक है तो चलिए गाइस आइए जानते हैं। देखो भाई, एक तो यार बॉटम टेबल की टीम है जो कि भाई पहले ही एलिमिनेट हो गई है, और भाई देखो दूसरे के पास अभी भी चांस है यहाँ पर क्वालिफाई करने का। दोस्तों चांस नहीं है दोस्तों, ये टीम ना नंबर 3 की टीम है और भाई देखो ये ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर ही जाएगी। ठीक है तो चलिए दोस्तों ये जानते हैं इस मैच में हमारी टीम क्या रहेगी, और भाई इस मैच में भाई आप इन्वेस्टमेंट कर आप चल सकते हो, काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट वाला मैच रहने वाला है। ठीक है तो दोस्तों आइए जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, पिच रिपोर्ट क्या रहेगा। देखो भाई मैनचेस्टर का जो फील्ड रहता है भाई वहां पर बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब भाई बैटिंग अच्छी होती है तो हमारे लिए कौन कौन से बैट्समैन एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे, वो आपको मैं सारी बातें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ भाई। वीडियो को आप ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। और हाँ भाई एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो भाई जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, फाइनल अपडेट होगा, आपको मैं देखो सारा का सारा अपडेट, सारी की सारी टीमें बिल्कुल फ्री में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो गाइस उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल जाएगा भाई, जाएगा जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ठीक है फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको मैं सब कुछ टॉस के बाद में वहीं पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइस, पहले हम लोग यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, और भाई उसके बेस पे ही हमारी टीम यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है गाइस, ये पिच रहने वाला है मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड, जो कि गाइस ये बहुत ही बढ़िया बैटिंग फ्रेंडली पिच है। ठीक है बॉलर्स की बात करूँ तो भाई यहाँ पर स्पिनर प्लस में फास्टर दोनों डिपार्टमेंट को यहाँ पर पिच से मदद मिलती है, खासकर स्पिनर सेकेंड इनिंग में यहाँ पर विकेट आपको निकाल कर दे देंगे। ठीक है एवरेज स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पर 140 से 150 के बीच का एवरेज स्कोर रहता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एवरेज स्कोर माना जाता है। ठीक है बाकी देखो टोटल इस वेन्यू पर 12 मुकाबले खेले गए, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 6 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने भी यहां पर 6 बार मुकाबले को जीता है। बाकी भाई स्कोरिंग पैटर्न आपके स्क्रीन पर है, सबसे हाई स्कोर इस विकेट का 193 रन है और गाइस सबसे लोएस्ट स्कोर यहाँ का 83 रन है। ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर बात करें, जब देखते हैं हम स्कोर कार्ड लास्ट के 3 मैचेस की, तो भाई देखो एक बात आपको ध्यान में रखना होगा भाई, यहाँ पर रन ना काफी अच्छे खासे बनते हैं। अब देखो भाई द हंड्रेड्स मैन लीग का जो भी मैच होता है अगर आपने देखा होगा भाई वहां पर बहुत कम रन बनते हैं, मतलब 100 रन 118 रन तक बनते हैं। बट देखो जो ये पिच है ना ओल्ड ट्रैफर्ड का भाई, देखो यहाँ पर 140 से 150 यहाँ का एवरेज स्कोर है। ठीक है तो देखो इतना रन तो आपको स्कोरबोर्ड पे आपको लगता हुआ दिखा दिखे। इसके अलावा लास्ट के 3 मैच की अगर मैं बात करूँ तो फास्टर बॉलर को 18 विकेट और स्पिनर को यहाँ पर 19 विकेट मिला है, खासकर दोस्तों स्पिनर सेकेंड इनिंग में विकेट यहाँ पर काफी आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है तो भाई आपके लिए दोनों डिपार्टमेंट काफी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। ठीक है कि इस बात करें दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की और रिसेंट फॉर्म की, देखो भाई रिसेंट फॉर्म के मामले में देखो भाई मैनचेस्टर ओरिजिनल यार काफी वीक टीम है भाई, अभी तक टोटल 6 मुकाबले में से केवल एक ही मैच जीती है। वहीं कहीं यहाँ पर नॉर्थन सुपर चार्जर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो भाई ये नंबर 3 की टीम है और देखो ये ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है। ठीक है बाकी देखो दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो आपके स्क्रीन पर है, दोनों टीमों ने भाई अभी तक 6 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 बार मैनचेस्टर और भाई देखो 3 बार यहाँ पर नॉर्थन सुपर चार्जर ने मुकाबले को जीता है। बट देखो फ्री भाई रिसेंट फॉर्म के हिसाब से आप यहां पर नॉर्थन सुपर चार्जर्स को आप देखो इस मैच में आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है गाइस, बात करें दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, क्या कुछ चेंजेस हो सकता है, तो देखो भाई मैनचेस्टर अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ भाई पिछले मैच जीत कर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से यहां पर इनकी टीम में देखो ज्यादा चेंजेस होने वाला नहीं। बाकी अगर एक दो चेंज हो भी जाता है तो उसका अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। ठीक है देखो भाई मैंने सारे प्लेयर का मैंने रिसेंट फॉर्म हेड टू रिकॉर्ड और मैंने वेन्यू का रिकॉर्ड भी मैंने आपके सामने रख दिया, तो भाई देखो आप यहाँ पर आप भाई सबका रिकॉर्ड आप देखते हुए चलना। ठीक है देखो फिलिप सॉल्ट और मैथ्यू हर्ट्स, देखो भाई मैथ्यू हर्ट्स पहले मतलब अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे तो देखो भाई लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ था, उसके पहले 2 मैच में उन्होंने भाई बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया है, बट देखो भाई लास्ट में फ्लॉप था तो इसके बेस पे इनका सर सिलेक्शन काफ़ी कम रहेगा। बट देखो इस मैच में भी आपके लिए फिलिप सॉल्ट और मैथ्यू हर्ट्स ठीक है काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। नंबर 3 पर गाइस मैक्स होल्डन और नंबर 4 पर पॉल वाल्टर, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं भाई, लास्ट मैच में इनकी पिटाई हुई थी तो इन्हें देखो ज्यादा बॉल फेंकने को मिला नहीं था, बट देखो फिर भी आपके लिए काफी सेफ ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है नंबर 5 पर जेमी वोटोन राइट हैंड बैटिंग करता है, राइट आर्म फास्टर बॉलर है, बट आई थिंक आप एज अ बैट्समैन ही आप इन्हें इंक्लूड करना है। इसके अलावा दोस्तों सिकंदर राजा भाई, देखो इनका यार कहना कि अगर एक मैच में बंदा चला तो भाई अगले मैच में फ्लॉप होता ही होता है। ठीक है राइट हैंड बैटिंग करता है, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, भाई देखो इस मैच में भाई इनके चलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, तो आप इन्हें अपने टीम में जरूर लेना। इसके अलावा वैन मेडिसिन राइट हैंड बैटिंग बैट्समैन है और गाइस को इनके बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, तो आप इन्हें अभी तक के लिए भाई ड्रॉप भी करना है। इसके अलावा उषामा मीर लेग स्पिनर बॉलर, भाई खासकर अगर मैनचेस्टर की टीम अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आती है तो आपके लिए मैं बोलूंगा काफी सेफ ऑप्शन रहेगा। ठीक है इसके अलावा दोस्तों थॉमस एस्पिनवॉल, जो कि भाई पिछले मैच में उन्होंने यार बहुत ही बढ़िया
और बॉलिंग कहता है, खास करिए पावर प्ले में दोस्तों बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करता है, तो आपके लिए मैं बोलूंगा सेफ ऑप्शन है। इसके अलावा स्कॉट करी लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, राइट हैंड फास्ट बॉलर है, और भाई देखो इनकी बिटाई थोड़ी सी कम हुई थी, बट देखो मतलब ये विकेट थोड़ा सा कम ही निकाल कर देगा। इसके अलावा फैजल फारूकी लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, लास्ट मैच में 3 विकेट, और भाई देखो लास्ट मैच में इनका सिलेक्शन काफी कम था, बट देखो फिर भी मैंने यार कहा था कि आपके टीम में होने ही चाहिए, तो ये भी आपके लिए सेफ ऑप्शन है, ठीक है। बाकी बॉलिंग रोल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो स्टार्टिंग बॉल होता है 25 बॉल का, जो जिसे बोलते हैं पावर प्ले, इसमें आपको फैजला फारूकी, स्कॉट करी और थॉमस एस्पिनवॉल आपको पहले पावर प्ले में दिखेंगे, और उसके अलावा डेथ की ओर में आपको स्कॉट करी, उसामा मीर, फिर आपको यहाँ पर फैजला फारूकी का ओवर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये दो बात होगी हमारे मैनचेस्टर ओरिजिनल की। वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पर नॉर्थन सुपर चार्ज की, तो देखो भाई ये यार अपने आप में बहुत ही तगड़ी टीम है, बट दोस्तों इनके एक दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि यार हमेशा से फ्लॉप रहे हैं, अभी तक बैन स्टॉक्स फ्लॉप ही रहा है, तो देखो भाई आज इनका दिन रहने वाला है, ठीक है। गाइस देखो इनकी टीम के ओपनर रहने वाले निकोलस पुरन, जो कि भाई 2-3 मैच से लगातार फ्लॉप किया, तो इस मैच में आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा मैथ्यू शॉर्ट, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको ये पॉइंट दे देगा। बाकी आप इनका यहाँ पर फॉर्म अप और हेड टू रिकॉर्ड आप इनका देख सकते हो। नंबर 3 पर हैरी ब्रुक, जो कि यार मतलब एक दो मैच में चलता है, बाकी 2-3 मैच में फ्लॉप रहता है, बट एज अ बैटिंग पीछे तो आप इस मैच में आप इनसे उम्मीद कर सकते हो। इसके अलावा बैन स्टॉक्स, भाई देखो अभी तक पूरे मैच में ही फ्लॉप रहा है, अगर एक दो मैच को मैं छोड़ दूँ तो उसके अलावा दोस्तों ये ऑलमोस्ट फ्लॉप ही रहा है। जैसा गाइज इनका नाम है उसके हिसाब से इनके अभी बल्ले से बैटिंग नहीं है, बट फिर भी आपके लिए सेफ ऑप्शन है। इसके अलावा एडम होस्ट राइट हैंड बैट्समैन, थोड़ा सा यार मैं बोलूंगा रिस्की ऑप्शन है। इसके अलावा ओलिवर रॉबिन्सन राइट हैंड बैटिंग करता है, गाइज देखो ये भी थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आता है, तो देखो भाई दोनों ही प्लेयर आपके लिए मैं बोलूंगा भाई रिस्की ऑप्शन रहने वाले हैं, ठीक है। देन दोस्तों देखो ग्राहम क्लार्क राइट हैंड बैटिंग करता है, लेग स्पिनर बॉलर है, बट एज अ बैट्समैन ही आप इन्हें इंक्लूड करना, वो भी दोस्तों इनकी बैटिंग लाइन है बहुत ही नीचे है, तो आप इन्हें ड्रॉ भी करना। इसके अलावा मिचेल सेंटनर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, नॉर्थन सुपर चार्ज का दोस्तों देखो सबसे मेन बॉलर है, तो भाई स्पिनर में कोई तो यार मिचेल सेंटनर ही है, ठीक है। बाकी गाइस अभी तक इनका वेन्यू का रिकॉर्ड देख लो भाई, एक ही मैच खेला है जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला था। इसके अलावा मैथ्यू पोर्ट्स राइट आर्म फास्ट बॉलर, भाई देखो लास्ट 2-3 मैच से विकेट मिला नहीं है, बाकी इस मैच में भाई आपके लिए रिस्की ऑप्शन है। इसके अलावा आदिल रशीद लेग स्पिनर बॉलर, फैनिको रिकॉर्ड गाइस को इनका काफी शानदार है, हेड टू रिकॉर्ड भी भाई इन्होंने मैनचेस्टर के खिलाफ काफी बढ़िया बॉलिंग किया है, तो आपके लिए काफी सेफ ऑप्शन है। और गाइस देखो प्लेयर नंबर 11 रे स्टोकली लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, दोस्तों इनका भी यार ये साल बहुत ही ज्यादा खराब गया है, ठीक है। वेन्यू पर गाइस इनका रिकॉर्ड है जो कि भाई पिछले मतलब पहले का ही रिकॉर्ड है, ठीक है। बाकी दोस्तों हेड टू रिकॉर्ड 4 मैच में 5 विकेट, तो आप इससे इस मैच में आप दोस्तों आप इनसे उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। बाकी बॉलिंग रोल की बात करूँ तो जो पावर प्ले का जो बॉल होते हैं जिसे हम बोलते हैं पहला 25 बॉल, ठीक है, इसमें आपको रे स्टोकली, मैथ्यू पोर्ट्स और आपको गाइस यहाँ पर डी क्लर्क दिखेगा पहले पावर प्ले में। उसके अलावा डेथ के ओवर में मैथ्यू पोर्ट्स का ओवर, आदिल रशीद का ओवर, फिर आपको यहाँ पर मिचेल सेंटनर का ओवर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गाइस बात करें यहाँ पर अपनी फाइनल टीम की, तो देखो यार ये अभी के लिए मेरी फाइनल टीम नहीं है। देखो भाई मैं बार बार बोलता हूँ फाइनल टीम आपको मैं टॉस के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, बिल्कुल टॉप पर ही आपको लिंक मिलेगा, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। जो भी मेरी फाइनल टीम होगी टॉस के बाद मैं आपको वहीं पर अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी भाई देखो यार ये बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगी, और भाई खासकर सेकंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर विकेट निकालेंगे, तो भाई देखो सेकंड इनिंग में आप अपनी टीम में स्पिनर को आप देखो जरूर ट्राई करना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी के लिए आप अब यहाँ पर कैप्टन तो मेरा पॉल वॉल्टर है, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर निकोलस पुरन और फिलिप सॉल्ट के साथ भी आप देखो जा सकते हो। इसके अलावा एक दो चेंजेस और क्या करना है भाई, आप यहाँ पर वैन मेडिसिन के प्लेस पर आप यहाँ पर एम हर्ट्स को भी आप देखो आप ले सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। बाकी मेरे भाई अभी के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई वीडियो को आप सपोर्ट करो, लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई आपका यार प्यार सपोर्ट मिलता है तो हमारे लिए बहुत बहुत मोटिवेशन का काम करता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक।